विद्यार्थी सारे के सारे हनुमान हैं। विद्यार्थी सारे के सारे क्या है? हनुमान है। और जो जामवंत जी है शिक्षक, उनका खुश रहना भी बहुत आवश्यक है। अगर उनका मूड ठीक होगा तो विद्यार्थी जो है वो उनसे कुछ अच्छा प्राप्त करेगा। अगर वो दुखी है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी का भी लोष होगा। तो क्योंकि उनका खुश रहना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य की अगली पीढ़ी और भारत का भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अंतिम वक्ता के रूप में, अंतिम एवं शेष किंतु अत्यंत विशेष वक्ता और बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष श्रीमान कन्हैयालाल जी डेरे साहब को आपकी जोरदार कर्तव्य ध्वनि के बिना करना चाहूँगा। जिनका विषय रहेगा रिलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज। सभी आमंत्रित अतिथिगण, लंबे समय से विराजमान सभी सहभागीगण, सबके चेहरे बड़े मायूस से नजर आ रहे हैं। क्यों लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ हमारे माथे पे डाल दिया। मेरी भावना ये है कि मैं थोड़ा आपका माहौल चेंज करने का प्रयास करूं। थोड़ा पहले के समय में चलते हैं। इंदिरा गांधी का शासन था, एमरजेंसी लगी हुई थी, परिवार कल्याण कार्यक्रम बड़े जोरों पर था, लोग खेतों में भागे भागे फिर रहे थे। उस समय में मैं प्रधानाचार्य राजकीय सेवा में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत था, और चूंकि ये राजकीय काम था मुझे भी दायित्व सौंपा गया कि आप गाँव में जाकर के लोगों को प्रेरित करें परिवार कल्याण के प्रति। उस समय में एक गीत लिखा था आपके मायूस चेहरों को देख करके, कोई बात नहीं। करेगा केवल के भी उतरी है, बाकी अंदर से ठीक। ग्रामीण महिला की शिकायत और परिवार कल्याण का संदेश, वो अपने पति को प्रेरित कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे माहौल में जब इमरजेंसी लगी हुई है, देश की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, हमारा क्या दायित्व बनता है? मनोरंजन के लिए सुने, माहौल तो वो नहीं रहा। हालांकि प्रोडक्शन अभी चालू है, गीत आज भी प्रासंगिक है। गाँव की महिला की शिकायत, समझ में आया होगा। खाई के पान बनारस वाला, उन्होंने मेरी तुम चुराई मैंने नहीं चुराई। खुद तो माल कुआ गट काव, रबड़ी का तो न्या पियाव, छोला चाट पकोड़ी खार मुंड नीतो पांद बार मापे, नवरो रोग जमावे, खुद तो माल कुआ गट काव। वो तो बाजार में जाके खा जाता के आ जाता है, घर पे बेचारी हुई वो शिकायत। तो माल कुआ गट काव, अब शिकायत पहली हुई। चोली अगरानी साड़ी फाट दी मारी हाय, हुई चोली अगरानी साड़ी फाट दी मारी हाय, ताना मारे जेठानी मोसा बुलद रानी हाय। छोटिया को लेकर फाटो मगनिया की भूषण फाटी, यो मांगो मत सारो फिर उगाड़ो सोन ड्रेसा फाटी, पलटन थुई संभाल
मत माप रोग कमावे, खुद तो माल पुआ गटकावे। दूसरी शिकायत, अब आ रहा है वो फैमिली प्लानिंग और परिवार कल्याण, वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। अले सिस्टर आई मने बात बताई है, है अले सिस्टर आई मने बात बताई है, अतरा बरसाथू मन बोध सताई है। अरे दो टावर कई फोड़ा, फोकट में भूतिया फोड़ा, अरे पूरी एक पचोड़ बना दी, रोटियां का भी फोड़ा। अब जल्दी सो चल अस्पताल, मत मापे रोग जमावे, खुद तो माल पुआ गटकावे, रबड़ी का दोनिया पी आवे, छोला चाट पकोड़ी खार मुने मीठो बार मापे नवरो रोग जमावे। अंतिम मंत्र, बाता सगली मारी जाने काने कठे गई है, घर गृहस्थी की चिंता दारू में भेगी है। ये छोरा छोरी रोवे, ये कहीं फेरे कहीं धोवे, ये छोरा छोरी रोवे, ये कहीं फेरे कहीं धोवे, अरे घरे कुंदरा करे ग्यारसिया, कहीं रांधे कहीं पोवे, मन लीजे रे राम संभाल, मत मापे रोग जमावे, खुद तो माल पुआ गटकावे। इस तरह के गीत का केवल आपका मन चेंज करने के लिए। जो टॉपिक मिला है आज का, आप सब इससे भली भांति परिचित, आवाज आ रही है, मुझे कभी लगता आवाज आ रही है आपके, रिलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज, ये टॉपिक निर्धारित किया गया मेरे लिए। किसी भाषा शिक्षक भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में परंपरागत शैक्षिक गतिविधियों की प्रासंगिकता आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी है, इस पर चर्चा करें। सब जानते हैं परंपरागत क्या विधियां थी जिनके प्रति हमारा मोह भंग हो गया है, आज के दिन में हम उनका उपयोग नहीं के बराबर करते, कतिपय शिक्षक करते होंगे, अधिकांश शिक्षक नहीं करते। भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो पहले हम समझने का प्रयास करें भाषा क्या है। भाषा लिखित या वाचिक रूप से या सांकेतिक रूप से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को अपने तक पहुंचाने का माध्यम का नाम भाषा है। ये लिखित रूप में, वाचिक रूप में या सांकेतिक रूप में हो सकती है। संकेत भाषा एक विशिष्ट प्रकार के समुदाय में काम में आती है। विशिष्ट बालकों को जब शिक्षा दी जाती है तो संकेत भाषा में शिक्षा दी जाती है, संकेत भाषा में ही बात करते हैं। तो हम उस भाषा की बात करते हैं जो हमारे सामान्य विद्यालयों में प्रचलित है। तो भाषा हमने सीखा, अंग्रेजी में भाषा की एक परिभाषा प्रचलित है, लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बीइंग यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स आइडियाज एंड फीलिंग्स। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने विचार सोच को प्रकट करने के लिए जो ध्वन्यात्मक रूप है, शाब्दिक रूप है, उसका नाम है भाषा। इसी भाषा के जानकार होने का आशय ये है, हम किसी भाषा के बारे में ये कह सकते हैं हम अमुक भाषा में पारंगत है, अमुक भाषा में आती है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उस भाषा को सुन करके उसका अर्थ ग्रहण कर सकें, उस भाषा में वार्तालाप कर सकें और उस भाषा के लिए स्वीकृत
मानक लिपि में उसको लिख सकें और पढ़ सकें, अगर ये योग्यता हमारे भीतर है तो हम उस भाषा के जानकार कहलाते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए तो उसका मनोवैज्ञानिक क्रम है, जो लोग बीएड कर रहे हैं या जो कर चुके हैं वे जानते हैं कि LSRW इसका एक स्वाभाविक क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम है, जिसमें हम भाषा किसी भी बालक को सिखाना चाहें तो इसी क्रम में सहज रूप में सीख जाता है। सबसे पहला जो चरण आता है वो है लिसनिंग का, सुने। सबसे पहले सुनने का अवसर उसे पर्याप्त मिले। हम यही काम करते हैं जब एक छोटे से शिशु को बोलना सिखाते हैं, जब बच्चा महीने दो महीने का तीन महीने का होता है तब से पूरा परिवार उसे भाषा शिक्षण के लिए तत्पर होकर के भाषा के शिक्षक का काम करने लगते हैं। चाहे उसकी बुआ उसे गोद में ले रही है या उसका दादा ले रहा है, दादी ले रही है, अंकल ले रहे हैं, आंटी ले रही है, सब उससे बातें करते हैं जबकि बच्चा बोलता ही नहीं है और भाषा को समझता ही नहीं है। फिर भी हम करते हैं, देख 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 गाय आ गई, देख ये साइकिल आ गई, मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरा बेटा क्या पिएगा, पानी पिएगा, दूध पिएगा। हम उसे बोल बोल करके बार बार उसे भाषा को सुनने का अवसर देते हैं, पर्याप्त रूप से सुनने का अवसर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला जो चरण है भाषा का सिखाने का, चाहे वो कोई भी भाषा सिखा रहे हो, चाहे हमारी मातृभाषा हो या कोई विदेशी भाषा, उसे पर्याप्त रूप से सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। और जिस भाषा को हम सुनने का अवसर दे रहे हैं वह भाषा का शुद्ध रूप उसके सामने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अगर वह अशुद्ध उच्चारण जो सुनेगा तो वह अशुद्ध ही बोलना सीखेगा, क्योंकि दूसरा चरण बोलना सीखने का है। एक पंजाबी बालक अगर बोलना सीखता है तो वह कभी भी, आपने सुना होगा पंजाबी लोग कि पुत्र नहीं बोलते, पुत्र बोलते, ये मेरा पुत्र है, क्योंकि उन्होंने पुत्र उच्चारण करना सीखा ही नहीं, सुनकर के सीखते हैं इसलिए वो पुत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्रीय प्रभाव भाषा के उच्चारण पर अगर दृष्टिगत होते हैं, ये कारण शुद्ध रूप से भाषा का नहीं सुन पाना इसका मुख्य कारण है। दूसरा जो इसका चरण है वह है बोलना सीखना। जो पर्याप्त रूप से सुन लेते हैं तो बोलना सीखने का काम प्रारंभ करता है, बच्चा पुतला की बोली में बोलना आरंभ करता है। हम इसे हमारे परिवार में बड़े हो रहे एक शिशु से आराम से इस क्रम को सीख समझ सकते हैं कि भाषा सीखने का क्रम क्या है। जब हम बच्चे को सामने बार बार बोलते हैं तो वह पुतला की बोली में बोलने का प्रयास करता है। यही होता है कक्षा कक्ष में, जब हम पर्याप्त रूप से सुनने का अवसर देते हैं तो फिर उन्हें बोलने का अवसर प्रदान किया जाता है, डील करवाई जाती है, अवसर दिया जाता है कि वो सुनी हुई बात को वैसा का वैसा उच्चारित करके वापस दोहराने लगे और बोलने लगे। तीसरी सीढ़ी आती है रीडिंग की, पढ़ना सिखाते हैं। जब वह सुन ले बोल ले तब हम उसे रीडिंग करना सिखाते हैं। रीडिंग में भी सेंटेंस मेथड जो है ऐसा मानते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही पद्धति है। हम कितना इसको अनुकरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हम विचार करके देखेंगे कि आज हम कहाँ छू कर रहे हैं, कहाँ मनोवैज्ञानिक तथ्यों को नकार करके भाषाएं पढ़ा रहे हैं। जब रीडिंग का अवसर आता है तब सेंटेंस को पहले पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। हमने ये करके देखा है, मैं आज इस अवसर पर हमारे गुरु जी मिस्टर अब्दुल सबूत को याद करूं, उन्होंने SCC में हमें इंग्लिश टीचिंग मेथड पढ़ाया था, तब उन्होंने इसे प्रैक्टिकल करके कई बार करके दिखाया कक्षा में। हमने भी इसको आजमा करके देखा कि वाक्य पढ़ाना पहले सिखाया जा सकता है, वाक्य के बाद फिर शब्द, शब्द के बाद फिर लेटर्स कहते हैं, तो ये बहुत सफल और मनोवैज्ञानिक मेथड है, बिगनर्स के लिए बहुत कारगर है। इसको हमने करके देखा है, बहुत सफल सिद्ध हुई है। लड़का वाक्य पढ़ना सीख जाता है जबकि उसे लेटर्स का ज्ञान नहीं होता, वो ABCD लिखना भी नहीं जानता और वो सेंटेंस को पढ़ना सीख जाता है। हमने पढ़ा करके सिखा करके देखा है, बिल्कुल ये स्वानुभूत विधि है और बहुत अच्छी मेथड है। हम पहले सेंटेंस सिखाएं, फिर वर्ड सिखाएं, उसके बाद लेटर्स पे आए। और शुरू के जो दो चरण हैं इनको नहीं छोड़ें, पहले वो सुने, फिर बोलना सीखे, फिर पढ़ना सीखे और अंतिम चरण में लिखना सीखिए। अब हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम मूल में ही भूल कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो ही बच्चा विद्यालय में आता है उसे पेन पकड़ा करके ए फोर पर लिखना सिखाते हैं तो हमारी शुरुआत ही गलत हो रही है। मनोवैज्ञानिक ढंग से हम शुरुआत कर रहे हैं, पहले हम उसको लिखना सिखाते हैं, लिखने के बाद हम उसको लेटर पढ़ना सिखाते हैं, लेटर के बाद हम वर्ड्स पढ़ना सिखाते हैं और फिर लास्ट में जाते जाते उसको सेंटेंस पढ़ना सिखाते हैं। परिणाम ये होता है कि बच्चा एक सेंटेंस को एक बार में बिना थोड़े पढ़ने नहीं सीखता।
जब भी उसे कोई सेंटेंस पढ़ने के लिए जाता है, अगर उसमें पांच शब्द है तो उसको पांच शब्दों में तोड़ करके पढ़ेगा, एक सेंटेंस में उसको नहीं पढ़ता है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक चरण है इसका हम अनुसरण करते हुए प्रयास करें कि हम इस विधि से पढ़ाएं। प्रतिदिन कक्षा में ये चारों चरण हम फॉलो करें, बच्चा भाषा को सुने, बोले, पढ़े और लिखे। इन चारों चरणों पर प्रतिदिन अगर हम काम करते हैं, विशेष तौर से बिगिनर्स के लिए जहाँ हम नई भाषा की शुरुआत करते हैं, विदेशी भाषा पढ़ाते हैं, तो इन चारों क्षेत्रों में काम किया जाना चाहिए। इसीलिए जब अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हैं बिगिनर्स में, तो पहले राइम वगैरह बुलवाते हैं, फिर उसको डेली डायरी के क्वेश्चन वगैरह हम पूछते हैं और अंग्रेजी में उनसे बातें करने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारा भी बैकग्राउंड अंग्रेजी का नहीं है, बच्चों का भी बैकग्राउंड अंग्रेजी का नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि उसे ऐसा एटमोसफियर क्लास में दें कि वो उस भाषा को सुने और बोले। प्रत्येक चरण के लिए भाषा के उच्चारण की शुद्धता और शुद्ध वर्तनी लेखन की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भाषा के प्रति न्याय करेंगे, अन्यथा नहीं। अब हम उन परंपरागत टेक्निक्स की विधियों की बात करें जो भाषा शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक होते हुए भी हमारा उनके प्रति मोह भंग हो गया है। आज की तारीख में हम उसे या तो काम में नहीं लेते या कम काम में लेते हैं। कतिपय शिक्षक काम में लेते होंगे, अधिकांश ने तो इसकी तरफ से मुंह फेर लिया है। सबसे पहला मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँ सुलेख लेखन। जब आप और हम पढ़ा करते थे, जो बड़ा वयोवृद्ध हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, आपको याद होगा हम बासी कलम से गुरुजी तिरछा काट करके हमें हिंदी की सुलेख लिखाया करते थे। जब हम एसटीसी में थे तब बासी कलम को सीधा काट करके और अंग्रेजी के लेटर्स अखबार पर लिखने का अभ्यास कराया करते थे, जो मेरे ओमजी आए नहीं आज हमारे ट्रेनिंग फेलो हैं सबूर साहब। प्रतिदिन एक घंटे हमें बांस की कलम से क्लास में बिठा करके और अंग्रेजी के लेटर्स कलम से लिखवाते थे। ये तो हमने बिल्कुल छोड़ दिया। प्रतिदिन एक पेज हम सुलेख लिखा करते थे कलम से, उसमें पूरा रिस्ट को पूरा मूवमेंट मिलता है, पूरी एक्सरसाइज होती है, तो बच्चा उसका आकार और उसकी आकृति को सही ढंग से लिखना सीख जाता है। सुलेख लेखन पर उन्हें हमें विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आज की तारीख में भी आवश्यकता है, क्योंकि बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है कि सुलेख लेखन तो बिल्कुल पुरानी चीज़ होगी। पुराने मार्सा पढ़ाया करते थे, हम तो आधुनिक हैं इसलिए हम तो बाल पेन से लिख पाएंगे। आज की हैंड राइटिंग देख ले बच्चे की, पुराने आदमी की हैंड राइटिंग देखें, आपको अंतर समझ में आ जाएगा स्थिति क्या है, हस्तलेख कहाँ चला गया। तो सुंदर लेख लिखना सिखाएं, सुलेख को पुनः अपनाया जा सकता है। बांस आज की तारीख में भी उपलब्ध है, हम काम में नहीं लेते इसलिए दुकानदार ला करके बेचता नहीं है, अगर हम व्यवस्था करना चाहें तो हो जाती है। सुलेख लेखन एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुमत भाषा शिक्षण में अपनाया जा सकता है हस्तलेख सुधार के लिए, चाहे वो अंग्रेजी का हस्तलेख हो चाहे हिंदी का। केवल कलम की कटिंग अलग तरह से होती है, हिंदी में हम तिरछा काट करके लिखते हैं और अंग्रेजी की कलम को सीधा काट करके हम अक्षर की बनावट लिखते हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हम घिस करके गुरु जी जिनको तिरछा करके हमें दिया करते थे दो लाइन वाली कॉपी में और चार लाइन वाली कॉपी में नकल करने के लिए, जी नहीं पाया करता था, एक लंबा होल्डर में फंसा करके उसे घिस करके गुरु जी सल्ली पर तिरछा करके और हमें देते थे, अब इससे लिखो। अक्षरों की बनावट छोटी बड़ी हो गई, सही आकृति में अक्षर बनाना सीख जाता था बालक, उसकी ओर भी वापस किया जा सकता है। ऐसी गतिविधि है जिसे हम शिक्षण में अपना सकते हैं। जैसा मैंने उल्लेख किया, अक्षरों के आकार और आकृति को नियंत्रित करने के लिए हिंदी में दो लाइन और अंग्रेजी में चार लाइन की कॉपी का प्रयोग करना चाहिए और गणित में हम चौखाने वाली कॉपी का प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी के सभी वर्णों के लेखन का अभ्यास हो आप चाहें तो नोट कर ले, 26 लेटर्स होते हैं, हमेशा आप नया नया सेंटेंस लिखते हैं, उन्हें स्टेज बेस्ड पॉलिसी वर्किंग वर्सिव बोर्ड इज ओवर इम्पोर्टेंट पता नहीं नए नए स्लोगन ला करके हम इसके ऊपर एक लाइन लिख करके बच्चों को देते हैं। अगर एक ही लाइन लिखते हैं तो उसमें 26 ही लेटर्स का अभ्यास हो जाता है। वो सेंटेंस हम नोट कर लें, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस में 26 लेटर आ गए, कोई दो बार आया कोई एक बार आया, लेकिन आगे इसी लाइन को हमेशा लिखवाएं तो
तो बच्चे की हैंडराइटिंग सुधर जाती है, जो भी छोटी सी अक्षर है जो लिखना सीख गया तो उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा सुझाव मैं देना चाहूँगा, जो सरकारी विद्यालय है उनमें वार्षिक योजनाएं बनती है विद्यालय की, उन वार्षिक योजना में हिंदी और अंग्रेजी के वर्तनी सुधार की योजना को हर साल लेकर के हम अंग्रेजी भाषा के स्तर को हिंदी भाषा के स्तर को सुधार सकते हैं। हिंदी भाषा का वर्तनी सुधार जिसमें सप्ताह में 3 बार हम 10-10 शब्द श्याम पट पर लिख दें, एक सप्ताह में या 15 दिन में एक बार उनको डिक्टेशन लिखा दें, श्रुतिलेख लिखा दें उन्हीं शब्दों पर आधारित और उनकी वर्तनी में सुधार का प्रयास करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो बच्चों की वर्तनी में सुधार होगा, वो सही स्पेलिंग याद कर पाएंगे, लिख पाएंगे हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अगर थोड़े थोड़े अंतराल में हम डिक्टेशन की परंपरा को वापस शुरू कर सकते हैं, श्रुत लेखन जो है वह परंपरा बिल्कुल समाप्त हो पाए, डिक्टेशन लिखाते ही नहीं है। हम जब पढ़ा करते थे तो हर 2-3 दिन में हिंदी के गुरु जी या अंग्रेजी के गुरु जी डिक्टेशन लिखाया करते थे, फिर उसमें एक कोई अशुद्धि आती तो उसको 10-10 बार वापस शुद्ध रूप में लिखवाते, तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज हिंदी में एक भी अशुद्धि नहीं आती है ना। मैं जब बीएड में था तो माधुरी चौबे मैडम मुझे ये कहते हुए गर्व इस बात का होता है कि हमारे गुरु जी ने जो मेहनत करी मिडिल सेक्शन तक वो इतनी कारगर हुई कि बीएड की एक मैडम जो माधुरी चौबे नाम के हमारे मैडम पढ़ाया करती थी, उन्होंने ये चैलेंज दिया कि मैं मिस्टर टेलर आपके जो पाठ योजना है उसमें वर्तनी की अशुद्धि निकाल करके दिखाऊंगी, और मैंने उस चैलेंज चुनौती को स्वीकार किया। पूरे साल में वो एक भी अशुद्धि नहीं निकाल पाई, और अंत में उन्होंने मुझे जब पुरस्कृत किया मंच पे बुला करके और प्रिंसिपल साहब से पुरस्कार दिलाए तब उसका हाथ मेरे पीठ पर था कि मैं ये वो स्टूडेंट है जिसकी पूरे साल में एक भी हिंदी में अशुद्धि नहीं निकाल सकी। उन गुरु जी को लगता है जिन गुरु जी ने 8वीं क्लास तक हम पर मेहनत करी, जिन्होंने श्रुतिलेख लिखवाया लेख लिखवाया और बार बार अशुद्धियाँ आने पर उन अशुद्धियों पर घोड़ा लगाते और उन्हें शुद्ध रूप में 10-20 बार लिखाते। अगर एक बार गलत आया 10 बार लिखना, फिर से अगर वो शब्द गलत आया तो उसको 20 बार लिखवाना, ये ऐसी देखरेख थी जो काम कर रही। आज हम एक भी अशुद्धि नहीं करते, ये उन गुरु जी की देन है, इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। इस देखरेख को भाषा शिक्षण में काम में लें तो आप अच्छा अच्छे भाषा शिक्षक बन सकेंगे, आप अपने शिष्यों पर गर्व कर सकेंगे कि मेरे शिष्य बिल्कुल शुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध नहीं लिखते और उच्चारण भी शुद्ध करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में शब्द भंडार वृद्धि योजना को वार्षिक योजना में सम्मिलित करके चलाया जा सकता है। जो निजी विद्यालय है वार्षिक योजना नहीं बनाते, योजना तो चला सकते हैं, हम एक दिन छोड़ के एक दिन किसी भी एक सार्वजनिक श्याम पट पर 8-10 नए शब्द अंग्रेजी के लिख दें और सप्ताह में एक बार उनको वापस डिक्टेशन के रूप में लिखा करके देख लें, तो बच्चों में मिनी याद करने की एक प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी और उनकी अगर एक्टिव वोकैबुलरी बढ़ जाएगी तो बच्चा उस भाषा का निष्णात बन जाएगा, उसमें होशियार हो जाएगा। तो ऐसा काम हम कर सकते हैं, तो बड़ा आसान है, थोड़ा सा समय लेना पड़ता है। 5-10 मिनट पहले हम चले जाएं और प्रार्थना से पूर्वी शाम पट पर 10 शब्द नहीं लिखते और उनको 2 दिन तक लिखा रहने दें, 30 दिन नहीं लिखते। ऐसा हम करते हैं तो हम करीब कितने राउंड कर लेंगे, 12 राउंड कर लेंगे, और 10 शब्द भी लिखते हैं तो 120 नए शब्द हम 1 महीने में उनको सिखा सकते हैं। तो ऐसा कोई योजना चालू करके शब्द भंडार वृद्धि का और प्रयास करें, हिंदी के भी लिखे जा सकते हैं अंग्रेजी के भी लिखे जा सकते हैं, दोनों ही भाषाओं में शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी तो बच्चे भाषा में दक्ष होने लगेंगे। आपके पास भी चिंतन के लिए काफी इसमें है, जो अनुभवी लोग बैठे हैं वो बाद में मैं आपके सुझाव आमंत्रित करूंगा, हो सकता है कोई बिंदु मैंने छोड़ दिया हूँ। हर शनिवार को गवर्नमेंट स्कूल्स में बाल सभा का आयोजन होता है, बाल सभा में हम अलग अलग प्रवृत्तियों का संचालन करें, अलग अलग प्रवृत्ति के लिए अलग अलग शिक्षक को दायित्व सौंपते हैं जिनकी जिसमें रुचि हो, कविता पाठ है, अंत्याक्षरी है, कवि दरबार है, वाद विवाद प्रतियोगिताएँ हैं, पत्र वाचन प्रतियोगिताएँ हैं, इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हम बच्चों को
सभी प्रकार की भाषाओं में दर्ज कर सकते हैं, उसकी जो वाचिक क्षमता है, उसकी वक्तृत्व क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। प्रार्थना सभा में नियमित रूप से उच्चारण के सही उच्चारण के साथ समाचार वाचन का दायित्व किसी व्यक्ति को सौंप करके, किसी लड़के को सौंप करके हम शुद्ध उच्चारण शिक्षण का काम कर सकते हैं। हम ऐसे दो चार बच्चे ट्रेंड कर दें जिनका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो, वही लड़के प्रतिदिन समाचार का वाचन करें, हो सके तो भाषा शिक्षक को बता दे कि उन समाचारों को एक बार वो पढ़ करके उनको पहले सुना दे कि किसी शब्द का उच्चारण अशुद्ध तो नहीं करता है। अगर वो अशुद्ध करता है तो वही प्रार्थना सभा में उस शब्द का हम सही उच्चारण सब बच्चों को सिखा दें। तो ऐसा करने पर अप्रत्यक्ष रूप से अनौपचारिक रूप से आप शुद्ध उच्चारण का शिक्षण कर पाएंगे और हिंदी भाषा विकसित होगी। अध्यापन के दौरान भी हम प्रयास कर सकते हैं, जब हम अनुकरण वाचन के लिए किसी छात्र को खड़ा करते हैं, भेद वाले ध्यान से सुने, जब आप अनुकरण वाचन पाठ योजना में तो हम लिखते हैं आदर्श वाचन अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन आदर्श है या नहीं पहले खुद सुन करके देखें। आप हम जो आदर्श वाचन प्रस्तुत कर रहे हैं वो किसी तरह से आदर्श भी ऐसा तो नहीं हम भी किसी शब्द का उच्चारण अशुद्ध कर रहे हो, वही आदर्श नहीं हो। आदर्श का मतलब आइडियल, इससे बढ़िया उच्चारण नहीं हो सकता, ये श्रेष्ठ उच्चारण था जो टीचर ने करके दिखा दिया। इसका मतलब खुद का उच्चारण तो शुद्ध होना ही चाहिए। उस उच्चारण को करने के बाद में जो बच्चा अनुकरण वाचन करे तो हम बड़ा ध्यान से सुने, उस समय में अध्यापक रिलैक्स्ड हो जाता है, टीचर उठ खड़ा हो अब तू पढ़, जो ही वो पढ़ने लगता है अध्यापक अपना दूसरा काम करने लगता है, मोबाइल में व्हाट्सएप को चेक करने लगता है, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई दूसरी बात तो नहीं है, कोई फोन तो नहीं आया, मिस कॉल तो नहीं है, क्योंकि फुर्सत मिल गई 5 मिनट। तो इस फुर्सत के क्षणों को उपयोग करें बच्चे के हित में, उसके उच्चारण को सुने कि उसने कौन सा शब्द ऐसा है जिसका अशुद्ध उच्चारण कर लिया, उसे श्याम पट पर लिख करके हम न केवल उस बच्चे से बल्कि पूरी कक्षा को उस शब्द का सही उच्चारण करवाएं और उसकी ड्रिल करवाएं, अभ्यास करवाएं, क्लास के 2 हिस्से करके पहले आता इस तरह ये बोलेगा, माता इस तरह ये बोलेगा, हम जांच के लिए किसी पीछे वाले बच्चे को खड़ा करके उससे पूछे कि तुम इसको पढ़ करके दिखाओ क्या है। कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें अशुद्ध उच्चारित करते हैं, हम उन शब्द की पहचान करें और उसे शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कक्षा में कराएं, पर्याप्त अभ्यास कराएंगे तो सभी बच्चों का उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिस बच्चे ने अशुद्ध उच्चारण किया केवल उसी को अभ्यास में करा करके पूरी कक्षा को अभ्यास कराएं, फिर संभव है अन्य बच्चे भी उसका अशुद्ध उच्चारण करता है। बड़ी कक्षाओं के लिए नाटक या एकांकी का मंचन साल में 1 या 2 बार कराना बहुत ही हितकर होता है भाषा शिक्षण के लिए और संवाद संप्रेषण के लिए। बच्चा बातचीत में ट्रेंड नहीं होता, संवादों का संप्रेषण नहीं कर पाता, संवादों को ठीक से बोल नहीं पाता। हम जब पढ़ा करते थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर नाटक करने की परंपराएं थी, हम अभिनय मंच पे हुआ करते थे। मैंने खुद भक्त प्रहलाद और श्रवण कुमार, भक्त ध्रुव, राजा हरिश्चंद्र, इन नाटकों में अभिनय की भूमिका मैंने अलग अलग अभिनय मैंने किए, मुझे भूमिका मिली, पात्र मिले थे। अगर हम कई एकांकी पाठ्य पुस्तकों में हैं, कई एकांकी हमारी लाइब्रेरी में पढ़े हैं, ऐसे प्रेरणादायक एकांकियों का अगर मंचन हो सके तो थोड़े से प्रयास से हो जाता है 2-5 दिन अतिरिक्त समय देकर के, और हम अगर इस नाटक का मंचन कराते हैं तो बच्चों की अभिनय क्षमता भी विकसित होगी और वह संवाद संप्रेषण की कला में भी पारंगत हो सकेंगे, ऐसा प्रयास किया जा सकता है। हिंदी में सूचनाओं, तथ्यों आदि को याद करने के लिए कुछ काव्यमय पंक्तियां हैं जिन्हें अगर हम याद कराते हैं बच्चों को तो कठिन वाले जो प्रसंग है वे भी आसान हो जाते हैं। कुछ मैंने संकलन करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसे बिजली के पर्यायवाची शब्द है, हम आपसे अगर पूछे बिजली के पर्यायवाची शब्द बताओ तो शायद आप 2 या 3 बता करके रुक जाएंगे, विद्युत, बिजली, ज्यादा ज्यादा चंचला, यहाँ से बाद में ले आएंगे, एक आध हो सकता है ध्यान दो। एक दोहा है जिसमें बिजली के 9 नाम याद हो जाते हैं, 9 पर्यायवाची शब्द, बच्चा अगर एक दोहा याद कर ले तो विद्युत के 9 पर्यायवाची शब्द को याद कर लेता। मैं बोल करके दिखा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बोलूँ, आप चाहें तो नोट कर लें, बच्चों को लिखाएं कि हिंदी पढ़ाएं कि बिजली के 9 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। विद्युत, चपला, चंचला, सोदा, मिनी, घनवाम, कितने हो गए? विद्युत, चपला, चंचला, सोदा, मिनी, घनवाम,
तड़ित छठा अकाल की क्षणिक प्रभाव न होना, ये नोई नाम जी ने बिजली के। तो ये इस तरह से इनको याद कराया जा सकता है, एक दो याद किया नौ नाम याद हो गए। इसी तरह से जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे, वो 14 रत्न कौन से थे यूं याद करें तो हम भूल जाए। इसको भी एक दोहे के रूप में अगर हम याद कराते तो बच्चा 14 ही रत्न को याद कर लेगा। ये 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले थे कौन कौन से हैं, श्री मणि रंभा कारुणी अमीय शंख गजराज कल्प द्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विश्वास। श्री मणि कोष्टु मणि रंभा जो परिधिमान की अप्सरा थी वो वारुणी शराब अमीय अमृत शंख पांच जने शंख निकला था, गजराज ऐरावत आदि निकला था। इसी तरह से कल्प द्रुम शशि चंद्रमा धेनु कामधेनु धनु धनवंतरी जी निकले थे और विष निकला था हलाल और वाज घोड़ा निकला था। ये 14 रत्न निकले थे इनको याद कराया जा सकता है, इस दोहे को याद कराया। हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है कौन कौन से हैं इनको याद कराना हो तो गोस्वामी जी की चौपाई चिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा याद करा दें तो हमारे पांचों तत्वों से जिससे मिलकर के प्रकृति बनी है हम बने हैं वो याद हो जाएंगे। इसी तरह से जो इंटरेस्टिंग दोहे हैं जिनमें रुचि जागृत होती है एक ही शब्द की आवृत्ति होती है यमक अलंकार जिसमें है, ऐसे दोहे सिखा करके भी हम बच्चों में रुचि जागृत कर सकते हैं भाषा के प्रति। एक दोहा देखें हिंदी भाषा में जो सारंग शब्द है ये सबसे अधिक अर्थ वाला शब्द है, सारंग शब्द के जितने अर्थ हैं इतने अर्थ किसी भी शब्द के नहीं। तो सारंग शब्द को लेकर के एक दोहा है, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओर, जब सारंग सारंग मिलो सारंग कर गयो चोट। समझे सारंग ले सारंग चली, सारंग कहते हैं सुंदर स्त्री को, सुंदर स्त्री सारंग लेकर के यानी दीपक लेकर के चली कर सारंग की ओट अपने पल्ले की ओट करके, सारंग पल्ले को भी कहते हैं, अपने आंचल की ओट में दीपक को लेकर के चली सारंग सारंग सों मिलो, जब सारंग सारंग से मिल गया यानी पवन जब दीपक से मिला तो सारंग कर गयो चोट, तो उस सारंग ने सारंग के साथ चोट कर दी यानी हवा ने दीपक को बुझा दिया। इतनी छोटी सी घटना को करने के लिए कवि ने इतने बढ़िया प्रयोग सारंग शब्द का करके जो समझाया है ये उक्ति चमत्कार गलत है, उक्ति विचित्र है कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति करके और अर्थ अलग अलग दे रहा है। एक इसी प्रकार का एक सारंग का दोहा और सुनते हैं उसको समझते हैं। सारंग ले सारंग चलो सारंग गर्जो आए, जे मुक्ते सारंग कयो सारंग निक्षो जाए। सारंग ले सारंग चलो सारंग मोर को भी कहते हैं, ये हमने हिंदी भाषा की बात करी, थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा की बात करें क्योंकि मैं दोनों ही भाषा में हूँ, अगर अंग्रेजी का नहीं बोलूंगा तो मुझे अंग्रेजी के साथ अन्याय है, हिंदी मेरी मातृभाषा है और अंग्रेजी की मैं रोजी रोटी खाता हूँ। अंग्रेजी में क्या करें कि हमारा शिक्षण रुचिकर हो, बच्चे मीनिंग याद नहीं करते उनकी एक्टिव वोकैबुलरी बहुत पुअर है, शब्द ही नहीं है, शब्द नहीं है तो भाषा ही नहीं है, भाषा तो सेंटेंस है, सेंटेंस वर्ड से बनता है, जो वर्ड्स ही नहीं है तो सेंटेंस ही नहीं बनेंगे, सेंटेंस नहीं बनेंगे तो भाषा ही नहीं है। इसलिए क्या करें सिखाने के लिए, कठिन वर्तनी को रोचक ढंग से सिखाने का प्रयास है, जिसकी स्पेलिंग लंबी है और कठिन है जिसमें हम सामान्यतः गलती कर देते हैं उसमें कोई रोचक तत्व ढूंढने के लिए लिखा हुआ नहीं मिलता किताब में, थोड़ा सा हम अगर मनोरंजनात्मक पुट डालने की कोशिश करें तो मिल जाता है, जैसे मुझे मिला, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये टेक्निक है। अभी आपने चौहान साहब ने शिक्षण विधि बताई, फिर कौशल बताई, आपने तकनीक बताई, बड़ा सरल है इनको समझना, मेरा हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं विधि कौशल और तकनीक में क्या फर्क है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊँ।
अगर हमारे पास एक चॉकलेट हो जो रेपर में बंद हो तो उसको खाने को रेपर को खोल करके खाने की विधि है और उसको मुंह में रख करके खाना कौशल है और भरी हुई कक्षा में उसको कैसे तरीके से खाया जाता है ये तकनीक है। टीचर को पता नहीं चले और खा ले ये तकनीक है। तो ये सरल भाषा में इसको समझा जा सकता है कि तकनीक क्या होती है, कौशल क्या होता है और विधि क्या है। तो मैं अटेंडेंस, एक शब्द है अटेंडेंस, स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ करते हैं, कभी एक ही जगह ये आ जाता है कभी शुरू में आ जाता है। इसको याद करने का बढ़िया तरीका, हमारे स्कूल खुलते हैं 10 बजे तो बच्चों से कहो 8:10 dance, 10 बजे नाचो 8:10 dance, और इसको एक साथ देखो अटेंडेंस की स्पेलिंग हो जाएगी। आप देखें AEEN DANCE, यूं तो याद करें तो DANCE हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, बच्चा कभी जीवन में गलती करेगा ही नहीं। उसको बता दो 8:10 dance, अरे तीनों को मिला करके लिखो तो अटेंडेंस की स्पेलिंग जिंदगी में कभी गलत नहीं। इसी तरह से एक टिपिकल स्पेलिंग है जो बच्चे याद नहीं कर पाते वो है क्यू, क्यू में खड़े हो ही एक क्यू लगाओ, बोलने में तो केवल क्यू है लेकिन स्पेलिंग में 5 अक्षर याद ही नहीं होते। बड़ा आसान तरीका है, बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलेगा, आप ही नहीं भूलेंगे, मेरा दावा सबको याद हो जाएगा। हम किसी बच्चे का कान पकड़ के कहते हैं क्यों क्यों करता है, फिर वो बच्चा कहता है यू ही यू ही, बस इसको लिख दो क्यू यू ही यू ही यू ही यू ही क्यू यू ही यू ही, क्योंकि स्पेलिंग बन जाएगी, बच्चा जीवन भर गलती करेगा ही क्योंकि स्पेलिंग याद है। इसी तरह से अगर वो 8 की स्पेलिंग याद कर लेता है, 8 की EIGHT, तो वो कई शब्दों की स्पेलिंग को सही लिख सकता है, केवल उसको वो शब्दों का संग्रह करके देना है कि ये शब्द अगर आप स्पेलिंग याद करनी है तो 8 की स्पेलिंग के पहले लगाते रहो, नए नए शब्द बनता रहेगा। जैसे हाइट, ऊंचाई, HIGH हाई होता है, हाइट में HEI आ जाता है, बच्चा हमेशा गलती करता है HIGHT लिखता है, तो आप उसको 8 के साथ छोड़ दो, 8 के पहले H लगाओ तो हाइट की स्पेलिंग हो जाएगी, EIGHT 8 तो है ही, H और लगा रहे हैं। इसी तरह से वेट, वजन, इसमें भी W लगा दें तो वेट की स्पेलिंग बन जाएगी, वजन WEIGHT तो याद है 8 की, तो केवल W और लगाना पड़ेगा। इसी तरह से TATIONG है, वो बहुत सारे शब्दों के पीछे आता है, स्टेशन, जैसे स्टेशन, इंडिकेशन, रोटेशन, म्यूटेशन, कैपिटेशन, एक्सप्लोइटेशन, प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, इन सबके पीछे TATION आता है, क्योंकि शुरू के दो दो तीन तीन लेटर्स दूसरे लिखने हैं, इनको एक साथ सिखा दें तो बच्चा जल्दी इनको याद कर लेगा। ऐसे ही जो उच्चारण में समान है अर्थ में अलग अलग हैं, उन शब्दों को एक साथ सिखाएंगे तो उनके लिए रोचकता आ जाएगी, रुचिकर बनेगा और वो याद करेंगे। ऐसे शब्द जैसे एक्सेप्ट ACEPT, एक्सेप्ट EXCEPT, और एक्सपेक्ट EXPECT, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, इनको एक साथ सिखाएं तो स्पेलिंग के अंतर के साथ साथ उच्चारण की समानता और अर्थ क्या अलग अलग हो जाते हैं, बच्चा उसको नोटिस करेगा और याद करेगा। इसी तरह से वेट शब्द अंग्रेजी में बहुत है, वेट WET, WAIT, WEIGHT और VAT, वेट, इनके अर्थ बता करके एक साथ दिखें। इसी तरह से फेयर, FAIR, फेयर और FIRE, फायर, इनको एक साथ सिखाएं। इसी तरह से हेयर, HAIR, HARE, HEIR, हेयर और HIRE, हायर, ये 4 शब्द हैं, इनको एक साथ सिखाएं तो स्पेलिंग में क्या अंतर है इनको वो नोट कर पाएंगे और सीखेंगे। शायद मैंने आपको बहुत बोर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई सुझाव देना चाहें या मैं कोई बिंदु भूल गया हूँ तो मुझे मेरे ध्यान में लाएं, बाकी यही मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी छोटी सी वार्ता टूटे फूटे शब्दों में अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।